अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अवैस मलिक एंड मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल माई टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में, आपका अपना टेक चैनल देर। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आज इस मोबाइल के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। वो लेटेस्ट वर्जन है, अप टू डेट वर्जन है। अभी तक इसको बहुत सारे लोगों ने कैप्चर नहीं किया, इसकी स्पेसिफिकेशन के हवाले से, इसकी ग्रूमिंग के हवाले से। तो दोस्तों, इसमें ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे स्मार्टफोन्स आते हैं जिसके ऊपर हम बैठ के वर्किंग कर रहे होते हैं। तो आज इस फ़ोन के ऊपर मैं वर्किंग करना चाह रहा हूँ, तो वो है Xiaomi 14 सीरीज़, जो कि अभी तक अपकमिंग वर्जन है और सभी मार्केट में लॉन्च होना है डेयर। तो इसकी अगर बात की जाए तो डेयर हमारे पास ये स्मार्टफोन जो है अपकमिंग में है, और 2024-2023 के एंड लास्ट में ये मोबाइल फ़ोन आई होप सो ये लॉन्च हो जाएगा। अब अगर हम डेयर बात करें इसकी पुराने वर्जन्स की, तो Xiaomi 13 जो था वो रिलीज़ हुआ था 14 दिसंबर 2022 को, और इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें, फीचर्स ऐसे थे जो कि ऑलरेडी पिछली सीरीज़ के अंदर नहीं आ गए थे। लेकिन ऑल दो अगर हम देखें तो ये जो मोबाइल फ़ोन हमारे पास अप टू डेट वर्जन आ रहा है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग्स होके आएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा और ही दोनों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर देखे जाए तो हमारे पास जैसे Xiaomi 13 है, ये स्मार्टफोन हमारे पास लॉन्च हुआ था 14 दिसंबर 2022 को, और इसके अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ, जो नेटवर्क की टेक्नोलॉजी है वो GSM प्लस CDMA HSPA के साथ ही मार्केट में लॉन्च हुआ था, और प्लस ये 5G टेक्नोलॉजी के साथ आया था। बॉडी डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी 152.8x71.5 इसकी जो थी वो डायमेंशन थी टोटल, और ये नाज़रीन ये 185 ग्राम्स इसका वेट था। लेकिन अगर मैं इसकी अल्टरनेट बात करूँ तो जो 14 सीरीज आई होप सो वो हमारा तकरीबन इस वेट में नहीं अवेलेबल होगा, वो इससे कम वेट में अवेलेबल होगा, और इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 170-175 ग्राम्स के अंदर ये मोबाइल फ़ोन अवेलेबल होगा। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 यूज़ हुआ था Xiaomi 13 सीरीज़ के अंदर, और इसके साथ ही फ्रंट ग्लास जो था इसका वो था, और ग्लास बैग इसका सिलिकॉन पॉलीमर के साथ आया हुआ था। लेकिन अगर हम इसका देखें तो ये जो हमारा 14 सीरीज़ है, आने वाला है अपकमिंग स्मार्टफोन, इसके अंदर एल्युमिनियम फ्रेम होगा, प्लस इसके साथ पी सेम एज इट कैटेगरी इस्तेमाल की जाएगी, ग्लास इसका फ्रंट होगा, और इसका एक्सपेक्टेड किया जा रहा है गोरिल्ला ग्लास ये 6 टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। अब मैं इसकी अगर टाइप की बात करूँ डियर, तो ये बहुत सारी इसकी टाइप जैसे आपको स्मार्टफोन में नज़र आ रही होती है, लेकिन जो ये टाइप है एमोलेड स्क्रीन के साथ होगा, और 128 हर्ट्ज के साथ ये मार्केट में लॉन्च होगा। साइज़ जो डियर है अगर हम बात करें इसकी, तो 6.36 इसका जो इंचेस थी ये इसका साइज़ था Xiaomi 13 सीरीज़ का, और ऑल दो अगर देखा जाए तो एक्सपेक्ट तो ये कह कर सकते हैं हम कि जो नेक्स्ट अपकमिंग स्मार्टफोन है 14 सीरीज़, उसका जो है साइज़ वो इससे ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर हम कैमरे की बात करें तो कैमरे के हिसाब से इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी आपको और कैमराज के अंदर नहीं मिल रही होती। अब मैं बात करता हूँ कि जो फ्रंट 13 सीरीज़ का जो फ्रंट था वो सेल्फी कैमरा जो हम कहते हैं वो 32 मेगापिक्सल के साथ अवेलेबल था मार्केट के अंदर, और इसके साथ जो है अगर हम देखा जाए तो इसकी जो बैक पेज के जो कैमराज थे वो तकरीबन 3 कैमराज इवेंट थे, जिसमें फर्स्ट इसका जो मेन कैमरा था वो 50 मेगापिक्सल के साथ आया हुआ था, सेकंड इसका 10 मेगापिक्सल, और थर्ड इसका 12 मेगापिक्सल जो कि अल्ट्रा वाइड यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम बात करें 14 सीरीज़ की, तो अपकमिंग जो स्मार्टफोन हमारे पास आने वाला है उसकी अगर मैं फ्रंट की बात करूँ, तो आई होप सो वो 40-50 मेगापिक्सल के राउंड अबाउट वो होगा, और क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजीज भी अपडेट की जा रही हैं, और लास्ट डेयर अगर देखा जाए तो उसकी जो यूज़ था वो बहुत कम था, और दो Xiaomi कंपनी ने इसको बहुत वर्किंग की आई होप सो, और इसमें मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इसका जो फ्रंट कैमरा है जो कि सेल्फी के लिए जाना जाता है, वो उम्मीद है बहुत अच्छा उन्होंने बनाया होगा। सेकेंड ऑफ ऑल अगर बात की जाए इनके जो मेन कैमराज की, जो इनके मेन कैमरा है बैक की अगर बात करूँ, तो उसकी जो बैक मेन कैमरा जो आपको मिलेगा, और इसका जो सेकेंड ऑफ ऑल कैमरा है वो तकरीबन 12-15 मेगापिक्सल्स के राउंड अबाउट होगा, और थर्ड जो अल्ट्रा वाइड आई होप सो वो सेम रहने के चांसेस हैं। अब अगर ये हम बात करें इसकी फीचर्स के हवाले से, तो ये जहरी सी बात है आजकल जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं सिक्योरिटी मिरर्स के हवाले से वो तमाम सेंसर फिंगरप्रिंट्स के साथ अवेलेबल होते हैं, और आई होप सो ये स्मार्टफोन भी हमारे पास सेम एज इज़ क्या आएगा, और कलर स्पेक्ट्रम के साथ ये अवेलेबल होगा। 50 मेगापिक्सल जैसे कि लास्ट डेयर हमें देखने में मिला है, तो आई होप सो ये अब 50 मेगापिक्सल में आपको अवेलेबल नहीं होगा, ये तकरीबन 50 प्लस मेगापिक्सल में आपको इसका जो बैटरी की अगर बात की जाए, तो डेयर लास्ट ईयर का हमारा एक्सपीरियंस जो रहा वो 4500 mAh बैटरी थी, नॉन रिमूवेबल बैटरी थी, जो कि आई होप सो बहुत अच्छा था। लेकिन प्लस ये 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग के साथ भी चार्ज की जाती थी, और इसका 100-10 अगर देखा जाए तो मैं इनको मार्क करूँगा कि वो 100% वर्केबल नहीं थी। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूँ जो इसकी वायरलेस रिवर्स इसका जो वायरलेस था
10 वाट वो बहुत इसके लिए बहुत ही अच्छा था, उसमें लोगों ने बहुत उसको यूज़ किया। लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा हालात के हिसाब से जिस तरह के यूज़र्स इन अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो आई होप सो ये 80 वाट्स वायरलेस के अंदर तकरीबन ये स्मार्टफोन अवेलेबल होगा आपको, और इसके मे बी इसमें अपग्रेड्स और भी इसमें हो सकती हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 80 वाट्स वायरलेस चार्जिंग के साथ ही आपको अवेलेबल होगा। कलर्स के मैं अगर बात करूँ तो आपके पास जाहिर सी बात है लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस हमारे पास था, हमने बहुत सारे ऐसे कलर्स इसमें देखे जो कि बहुत कम स्मार्टफोन्स या बहुत कम कंपनीज इन स्मार्टफोन्स को बनाती हैं कलर्स। जैसे कि लास्ट ईयर शाओमी 30s में जो कलर्स अवेलेबल थे उसमें वाइट था, ब्लैक था, उसमें फ्लोरा ग्रीन था, माउंटेन ब्लू हो गया, रेड ब्लू हो गया, येलो, ग्रीन, ग्रे, तो डेयर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सेम एज इट यही कलर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे इसके साथ। अब डेयर अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो 3 किस्म की मेमोरीज दी थी आपको शाओमी 13 में आपको अवेलेबल थी, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन सी मेमोरीज थी और किस किस हिसाब से वो हमारे पास अवेलेबल थी। इसमें जो फर्स्ट हमारे पास जो थी स्मार्टफोन वो 8 GB रैम और 128 GB के साथ हमारे पास अवेलेबल था। सेकंड जो था उसमें आपके पास दो ऑप्शन थी, जिसमें आपके पास 8 GB रैम और 256 GB प्लस में 12 GB रैम और 256 GB के साथ अवेलेबल थे। और थर्ड इसके स्लैब था वो तकरीबन हमारे पास अवेलेबल था 12 GB रैम 512 GB के साथ। तो एस्पेक्ट की जा रहा है डे तकरीबन इनकी भी तकरीबन अब जो अगर हम बात की जाए तो ये सेम स्पेस के साथ ही अवेलेबल होगा मार्केट के अंदर, और ये इनफ होता है एक आम यूजर्स के लिए यूज़ करने के लिए स्मार्टफोन। प्राइस की अगर बात करें जो डेयर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इनकी 8 GB रैम और 128 GB की जो प्राइस थे लास्ट ईयर के हिसाब से वो $655 से, इसी तरह से 256 GB और 8 GB रैम 256 GB 12 GB रैम के साथ हमारे पास जो प्राइस थे वो 799 के राउंड अबाउट हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हुए थे। ये 12 GB प्लस और 12 GB रैम के साथ जो मार्केट्स में हमारे पास अवेलेबल था उसकी जो प्राइस एक्सपेक्टेड किए जा रहे थे वो $748 थे। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है डेयर इस दौर जो ये 3 स्पेक्स के साथ अगर मोबाइल फोन लॉन्च होता है तो ये 700, 750 और $780 के राउंड अबाउट ये मार्केट पे लॉन्च होगा। इसमें अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब ये सेट लॉन्च होगा तो इंशाल्लाह ये प्रीवियस जितने भी स्मार्टफोन है शाओमी के उनका रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अप टू डेट वीडियोज़, जिसमें मैंने आपके साथ थोड़ी सी कंपेरिजन रिपोर्ट शेयर की है शाओमी 13 सीरीज़ और शाओमी 14 सीरीज़। जैसे ही इसके हमारे पास मजीद कोई लेटेस्ट अपडेट्स होगी तो इंशाल्लाह आज हम आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्लस में बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम अगली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त मिल सकें। तब तक के लिए दुआ में याद रखेंगे, अल्लाह हाफिज़।